पूरे देश में सीए, एनआरसी, एनपीआर के विरोध में आग फैली हुई है। लोग इस बात को लेकर अपने अपने तरीके से ऐतराज जता रहे हैं। इसको लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां भी देश बचाओ संविधान बचाओ को लेकर आंदोलन कर रही। इसी को लेकर सीपीआई के डॉक्टर कन्हैया कुमार जनगण मन यात्रा पर निकले हुए। कई जिलों की यात्रा के बाद मुंगेर पहुंचे और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हाजी सुभान मैदान में सभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन मुंगेर कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से किया गया, जिसकी अध्यक्षता सीपीआई के जिला सचिव दिलीप कुमार ने की और मंच का संचालन तारिक अनवर ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कटिहार के कांग्रेस विधायक डॉक्टर शकील अहमद, एआईएसएफ के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड विश्वजीत मौजूद थे। इस मौके पर सीपीआई के डॉक्टर कन्हैया कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा की केंद्र की सरकार सिर्फ लोगों को परेशान कर रही है। बापू के धाम से इसकी शुरुआत हमने की है और पटना के गांधी मैदान में 17 फरवरी को इसका समापन होगा। कन्हैया कुमार ने कहा कि जनगण मन यात्रा का नारा है हमारा देश हमारा संविधान, बापू धाम से गांधी मैदान। ये जनगण मन यात्रा पटना के गांधी मैदान पहुंचकर एक रैली में तब्दील हो जाएगी। अपने संबोधन में मुंगेर वासियों से ज्यादा संख्या में पटना पहुंचने की कन्हैया कुमार ने अपील की है। और आपके खाते में 15 लाख रुपया नहीं पहुंचा, पहुंचा क्या? तो जैसे 15 लाख रुपया नोटबंदी के बाद आपके खाते में नहीं पहुंचा है, उसी तरीके से एनआरसी होने के बाद मियां जी का घर द्वार आपको नहीं मिलने वाला है। इस भ्रम में मत रहिए, इस भ्रम से बाहर आ जाइए और आप ये समझिए कि ये साजिश है, ये साजिश है कि घुसपैठियों की पहचान के नाम पर देश के अपने ही लोगों के नागरिकता का इम्तिहान लिया जाए। ये घुसपैठियों की पहचान के लिए नहीं, देश की जनता को परेशान करने के लिए, हिंदू और मुसलमान करने के लिए लाया गया है। इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए। इसीलिए ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है वो सिर्फ संविधान और तिरंगे को बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमको हमारी अर्थव्यवस्था को बचाने की भी लड़ाई है। आसाम में जो एनआरसी हुआ उसमें 1600 करोड़ रुपया खर्च हुआ। कितना 1600 करोड़। और पूरे देश में अगर एनआरसी होगा तो 60,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। कितना हजार करोड़? 60,000 करोड़। और सर लड़ाने की और लोगों को भड़काने की साजिश करते आए हैं। मैं आप तमाम लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि आप आजादी के आंदोलन का इतिहास उठा करके देखिए कि किस तरीके से गाय का मांस मंदिरों में फिकवा कर और सुअर का मांस मस्जिदों में फिकवा करके हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाया जाता था। भूत डालो राज करो की नीति के तहत लोगों को आपस में लड़ाया जाता था और उसका क्या खामियाजा उठाना पड़ा। एक तरफ लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए अलग देश बनाने की बात कर रहे थे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि ये खूबसूरत देश इसके दो हिस्से हो गए। इसीलिए आज हम तमाम लोगों को यह बात अपने दिमाग में डालनी होगी कि ये जो CA, NRC और NPR आया है ये एक नया मुद्दा है। इस नए मुद्दे के द्वारा इस देश को फिर से बांटने की साजिश की जा रही है। बोलिए, आप ये साजिश स्वीकार करेंगे? अगर आप ये साजिश नहीं स्वीकार करेंगे तो हम लोगों को मुंगेर की धरती से, इस ऐतिहासिक धरती से, इस क्रांतिकारी धरती से सरकार को यह चुनौती भेजना पड़ेगा कि यह सरकार, अगर तुम अंग्रेजों की चाल चलने के लिए तैयार हो तो हम अशफाकुल्ला खान और रामप्रसाद बिस्मिल की तरह शहादत देने के लिए तैयार हैं। बोलिए, आप इसके लिए तैयार हैं कि नहीं है? अगर आम जिलों से होते हुए इस महीने की आखिर में पटना के गांधी मैदान पहुंचेगा और इस यात्रा का जनगण मन यात्रा का नारा है हमारा देश हमारा संविधान, बापू धाम से गांधी मैदान। और जब ये गांधी मैदान पहुंचेगी यात्रा तो देश बचाओ नागरिकता बचाओ रैली के रूप में परिवर्तित होगा। बताइए, आप तमाम लोग जो नीलम सिनेमा के पास बैठे हुए हैं शाहीन बाग बनाकर, आप तमाम लोग, आप फरवरी के आखिर में क्या पटना के गांधी मैदान आएंगे? सब लोग आएंगे? मुझे लगा मैं नीलम सिनेमा नहीं आया तो आप लोग गुस्सा हो गए। मेरी मजबूरी है, मजबूरी ये है कि मैं चाहता हूँ कि हर शहर में, कहा है गांधी ने, कहा है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम,
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ये जो धर्म के नाम पे आज हमको लड़ाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे मसला क्या है? मसला ये है कि जब खेत में मर रहा हो किसान, सीमा पे शहीद हो रहा हो जवान, तो 2% में जिसने बेच दिया अपना ईमान, वही टीवी में बैठ के करते हैं हिंदू और मुसलमान। हमको ये समझना पड़ेगा कि देश के भीतर किस तरह की साजिश रची जा रही है। आप तमाम लोग, मुंगेर के लोग नीलम सिनेमा के पास शाहीन बाग बनाकर धरने में बैठे हुए हैं। मैं माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे ये जनगण मन यात्रा चलानी है। ये जनगण मन यात्रा 30 जनवरी को, जो बापू का बलिदान दिवस है, जिस दिन आतंकवादी गोडसे ने गांधी की हत्या की थी, उस बलिदान दिवस के दिन हमने ये जनगण मन यात्रा शुरू की है। और ये जनगण मन यात्रा विभिन्न जिलों से होते हुए आज आपका जिला और पुराना हमारा जिला, मेरा घर बेगूसराय है। हम इसलिए आए हैं कि मुंगेर गंगा जमुनी तहजीब की धरती है। यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, सीता कुंड भी है। तमाम धर्म और समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। ये एकता हमारी बनी रहनी चाहिए और देश को बांटने वाला जो प्रक्रिया है एनपीआर सीए के खिलाफ, इसके खिलाफ हम तमाम लोगों को एकजुट होकर के लड़ना है। क्योंकि ये मुद्दा इसलिए लाया गया है ताकि इस देश के आम जनता को जो सवाल है, रोजी रोटी कपड़ा मकान का सवाल, उसको गुमराह किया जाए। धन्यवाद।